अब धरती पे आए तो भगवान ने इतना अधिकार तो दिया ही कि अपना रहने की जमीन तो अपनी हो कम से कम। खाना लाए निकालो यार। खाने की याद कैसे आ गई? खाना ले चलते। अब शिवपुरी से बदल के शिवपुरी नहीं कुंडेश्वर धाम नाम कर दिया गया है, कुंडेश्वर धाम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान टीकमगढ़ के दौरा पे अलग अंदाज में नजर आए। इतने उनने मंच से ऐलान करे कि टीकमगढ़ जिला के शिवपुरी को नाम कुंडेश्वर धाम और अचल्ला को नाम आचार्य धाम करे जे है। सुनो जरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ऐलान। अभी जब हम बगाज मैया के प्रांगण में बैठे हैं तो हमारा शिवनगर था कुंडेश्वर धाम शिवपुरी, अब शिवपुरी से बदल के शिवपुरी नहीं कुंडेश्वर धाम नाम कर दिया गया है, कुंडेश्वर धाम। और दूसरा अचर्रा बोल रहे थे, अब इतने बड़े आचार्य जिस अचर्रा में हुए तो अचर्रा काय को भैया, आचार्य धाम कहना चाहिए कि नहीं? अरे कहना चाहिए कि नहीं? तो अचर्रा का नाम आचार्य धाम किया जाता है ताकि हम लोग आचार्य धाम कहें। देखो मैया की कृपा से ही तो अपन है, उनकी कृपा से ही सब काम होता है। करती हो सब तुम मैया, मेरा नाम हो रहा है, अपना तो नाम ही उनकी कृपा से होता है। तो प्रांगण के विकास के लिए जो आवश्यक है बगाज मैया और कुंडेश्वर धाम वो करने की योजना बनाए, बाद में उसको हम क्रियान्वित करने का काम करेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गरीबों को पट्टा यानी भूखंड वितरित करवे के लाने पहुंचे थे और इतने अचानक से मुख्यमंत्री गरीबों के बीच बैठ गए, उनसे बतियाए और उनके घर से ले आओ भोजन भी संग ही करे। देखो जरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बुंदेलखंड में जो गजब को अंदाज। देखो आप अच्छे से रहो, मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक है। और देखो एक तरफ तो देश में अपन देखते हैं कई लोगों के पास इतनी जमीन और इतने बिल्डिंग है कि उन्हें पता नहीं, दूसरी तरफ ऐसी हालत कि कई मजबूर है, कहीं जागी जमीन पर रह रहे, कहीं बाकी जमीन पर रह रहे, कई जगह एक घर में 15-15, 20-20 रह रहे, एक घर में तो 50 रह रहे हैं। ऐसी हालत अब धरती पे आए तो भगवान ने इतना अधिकार तो दिया ही कि अपना रहने की जमीन तो अपनी हो कम से कम, और इसलिए योजना बनाइए कि रहने की जमीन अपनी होगी, अपनी है डंडा ठोक के, बाकायदा कागज पत्थर अपने पास है, यहाँ पर मकान बनाएंगे और यहाँ रहेंगे। खाना लाए निकालो यार। खाने की याद कैसे आ गई? खाना ले चलते। वाह भैया अपन मिलकर खाएंगे, अकेले मैं थोड़ी खाऊंगा। भैया बच्चों को पढ़ाना सब है, क्योंकि पढ़ने में अच्छे रहे तो फीस मामा भरवाएगा, कोई चिंता मत कर, है ना? अपने बच्चे आगे बढ़ना चाहिए। पंचायत में गांव कौन कौन से? सुंदरपुर, पटला, खेरा, ढोलिया, चौपरा, मुजराबुड़ की खेरा, सात खेरा, ये एक ही पंचायत के हैं। सारी व्यवस्थाएं ठीक से हो जाए, ठीक है? पीने का पानी भी हो जाए, सड़क भी हो जाए, बिजली भी हो जाए, सारी सुविधाएं करेंगे, वो भी अपने बन जाए टॉयलेट। ये प्यार की रोटी है, स्कूल हर गांव में है, यहाँ सीएम राज स्कूल का मंदिर आस पास में, यहाँ से कितनी दूर है? 15 किलोमीटर। यहाँ बस आएंगी बच्चों को, बहुत बधाई आप सबको, धन्यवाद सब बहनों को भाइयों को। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नए साल यानी चुनावी साल में पहला दौरा बुंदेलखंड से शुरू करे है। टीकमगढ़ में उनने बड़ी योजना को ऐलान करे और इसके संग ही जा बात साफ है कि बुंदेलखंड मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में है।
अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल मध्य प्रदेश 2022 सत्र में प्रवेश लेने का अंतिम अवसर। प्राथमिक चिकित्सा एवं बुनियादी चिकित्सा क्षेत्र में अपना भविष्य बनाइए। कोर्स प्राथमिक चिकित्सा उपचार, बेसिक हेल्थ केयर, इलेक्ट्रो होम्योपैथी एवं हॉस्पिटल मैनेजमेंट जैसे एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लेकर रोजगार एवं रोजगार के तहत अपना भविष्य बनाइए। बुंदेलखंड में हमारी संस्था के प्रतिष्ठित अध्ययन केंद्रों में प्रवेश लें। सागर अध्ययन केंद्र क्रमांक 572, छतरपुर अध्ययन केंद्र क्रमांक 370, हटा दमोह अध्ययन केंद्र क्रमांक 578, टीकमगढ़ अध्ययन केंद्र क्रमांक 371, पन्ना अध्ययन केंद्र क्रमांक 569। बुंदेलखंड के साथ मध्य प्रदेश की किसी भी जिले में प्रवेश लेने के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क करें 9131652095, 9109449455।